नरेंद्र नगर विधानसभा में सियासत गरमा रही है। सभी प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार में तेजी आ गई है। नरेंद्र नगर के कांग्रेस प्रत्याशी हिमांशु बिजलवाण का डंका भी नरेंद्र नगर विधानसभा में खूब बजता सुनाई दे रहा है। कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट के नरेंद्र नगर आने से बिजलवाण की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। उन्होंने हिमांशु बिजलवाण के लिए लोगों से वोट की अपील की। बात बोलकर ताली बजवाना बड़ा आसान है, लेकिन मर्यादा में रहकर सिद्धांत की बात करना, अपना खुद का नुकसान भी हो लेकिन देश प्रदेश का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये भावना अगर किसी दल के अंदर है तो हमारी पार्टी के अंदर है। कांग्रेस पार्टी में भी हम इंसानों की पार्टी है। मैं नहीं कहता हूं कि हम लोगों ने कभी गलती नहीं करी होगी, हमारी कभी कोई नीति खराब नहीं होगी, 130 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन मैं दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की कभी नीयत खराब नहीं रही है। हमने कभी किसी को डराने का, धमकाने का, लूटने का, तोड़ने का, समाज में जहर घोलने का काम कभी आज तक नहीं किया है। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी हिमांशु बिजलवाण ने लोगों को संबोधित करते हुए जोशो खरोश के साथ नरेंद्र नगर की जनता से वोटों की अपील की। कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल कर रही है, भाजपा के दो दो बागी मैदान में हैं और मैं कांग्रेस पूरी एकजुट है और एकजुटता के बल पर भारी मतों से जीत सुनिश्चित होने जा रही है। इसके साथ ही जनसभा में मशहूर उत्तराखंडी लोक गायक मंगलेश डंगवाल ने भी हिमांशु बिजलवाण को अपने सुरों के जरिए समर्थन दिया। देवभूमि न्यूज के लिए नरेंद्र नगर से स्मृति उनियाल के साथ पवन नेथानी।